कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में ग्राम हथौड़ा कटंगी के ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत हथौड़ा जनपद पंचायत कटंगी के रोजगार सहायक अजीत बोरकर के द्वारा मनरेगा के काम में किए गए गबन और दूसरे काम में की गई अनियमितताओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। आज कटंगी विकासखंड के ग्राम पंचायत हथौड़ा से लगभग 25 साथीगण यहाँ पे अपनी समस्या लेके आए। उनकी समस्या ये है कि ग्राम पंचायत हथौड़ा के जो रोजगार सहायक है उनके द्वारा अलग अलग प्रकार से ग्राम के जो काम होते उसमें अनियमितता बरती गई है। इसको लेके विगत एक साल के भीतर में ग्रामीणजनों के द्वारा 5 बार शिकायत की जा चुकी है शासन प्रशासन को। उसके बावजूद भी आज पर्यंत तक ना उस सचिव पर कोई कार्रवाई की गई है, ना कोई जांच कमेटी बिठाई गई है। इससे प्रतीत ये होता है कि जो वहाँ का सचिव है कहीं ना कहीं उसको राजनीति संरक्षण प्राप्त है। तो जिला कलेक्टर महोदय से आज हम सभी लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जांच कमेटी बिठा कर जो हमारे मुख्य बिंदु उस पर जाँच की जाए और उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। यहाँ ग्राम पंचायत रोजगार द्वारा अपने मनरेगा के काम में फर्जी वाला कर अनेक मजदूरों के फर्जी नाम डाल के उन्होंने राशि का गबन किया है। इसके बाद में हम एक साल पहले भी यहाँ पर शिकायत दर्ज करा थे, जहाँ एक संबल योजना के हितग्राही का 2 लाख रुपये का निराशि का गबन किया गया था। और इसके बाद में उसके ताना साहब व्यवहार चलता पंचायत में बीच में भी एक बीच में मनरेगा में एक मजबूत पर उन्हें गला दबा कर ऐसे मारने का भी प्रयास किया। किसके द्वारा किया गया? रोजगार सहायक द्वारा किया गया। क्या नाम है रोजगार सहायक? अजीत बोरकर नाम था। तो आप क्या मांग चाहते हैं कलेक्टर साहब से? मांग ये चाह रहे थे कि इसकी उचित जांच कर उसे पदमुक्त किया जाए। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।